केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन का हिंसक रूप भी देखने को मिला है। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह कर विरोध जताया। कांग्रेस के सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने सत्याग्रह करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। सत्याग्रह में शामिल प्रियंका गांधी ने कहा कि ये योजना देश के युवाओं को मार डालेगी, सेना को खत्म कर देगी। कृपया इस सरकार की मंशा देखें और इसे गिराएं। इसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा, ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों, नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। जय हिंद। सत्याग्रह में शामिल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने फिर साबित कर दिया कि वो किसी की नहीं सुनती और लोगों पर अपनी योजनाएं थोपती है। हम विरोध कर रहे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि वो हिंसक ना हो, हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी अग्निपथ स्कीम वापस लेनी पड़ेगी। गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। वहीं जगह जगह पथराव भी किए गए, ट्रेनों में आग भी लगा दी गई। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इस योजना में सेना में स्थायी नौकरी, फिक्स सैलरी, पेंशन और अन्य लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।